हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ मैं बात करने वाले गुजरात गैस लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको बाइंग जोन बताने वाली, साथ में आपको टारगेट भी बताऊंगी एंड बाकी की और भी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं गुजरात गैस लिमिटेड कंपनी के बारे में। सो गुजरात गैस जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। इवन आपको तो पता है गुजरात गैस कंपनी तो लाइक गैस का सप्लाई का कंपनी काम करती है। इवन देखा जब फ्राइडे के दिन कंपनी का क्लोजिंग कितने में हुआ था, लाइक 507.20 पैसा क्लोजिंग हुआ था। एंड उस दिन कितना इसने 3.43% का इसने रिटर्न दिया था देखा जाए तो। एंड इसने लाइक कितना 16.80% रुपीज से अब भी किया था, लाइक अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया था उस दिन भी लाइक देखा जाए तो। इवन अगर उस दिन का अगर कैलकुलेशन भी करें अगर हम, सो लाइक अगर देखा जाए कंपनी का लॉट साइज आपको पता रहेगा कंपनी का लॉट साइज कितना है, 1250 का कंपनी का लॉट साइज है। एंड इसने रिटर्न कितना दिया था उस दिन, 6.18, लाइक यहाँ पे 80 आएगा, लाइक 16 पकड़ रही मैं तो। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी ने कितना रिटर्न दिया अगर देखा जाए तो, कंपनी ने कितना 21,000 का कंपनी ने रिटर्न दिया था उसी दिन ही। तो कंपनी ने उस दिन अच्छा खासा रिटर्न दिया, लाइक किसने एक एक ये एक लॉट का बता रही, किसने जिसने भी लाइक एक लॉट भी लिया रहेगा उस दिन, उसने कंपनी ने कितना 21,000 का उसने प्रॉफिट दिया रहेगा। जो लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग जो लाइक ट्रेड करते हैं उनका बात मैं कर रही हूँ। चलिए, कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। इवन जो लाइक इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं अच्छा खासा, अगर उन्होंने क्वांटिटी लिया रहेगा तो उनको अच्छा खासा उनका रिटर्न उसमें भी मिला रहेगा। बिकॉज एक पर शेयर के पीछे इसने कितना 16.80 रुपीज का इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो कंपनी उसने अच्छा खासा फॉर्म किया मार्केट में देखा जाए तो। इवन अगर यहाँ पे देखा जाए कंपनी ने इवन यहाँ पे ऑलरेडी इसने बाइंग का सिग्नल भी दे दिया है अगर देखा जाए तो। सो यहाँ पे आपको बाइंग का जोन अगर यहाँ पे आपको बताऊं मैं तो 500 आप तो यहाँ पे देख ही रहे क्योंकि मैं यहाँ पे मार्क ऑलरेडी मैं करके रखती हूँ, तो आपको 520 का तो आपका लेवल ऑलरेडी यहाँ पे दिख ही जाएगा। सो 520 का जो लेवल दिख रहा है ना, ये लेवल ही ब्रेक करना चाहिए। क्यों? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे प्रीवियस कैंडल्स के जितने भी परफॉर्मेंस देखे, जैसे ही इसने ये लेवल ब्रेक किया है ये ऊपर से बहुत बार से ट्रेड हुआ है, इट मीन 520 का ये मेन लेवल है। सो 520 का ये लेवल तोड़ना चाहिए, लाइक डायरेक्टली आपको 520 पे आपको बाय नहीं करना है, 521 22 23 24 पे यहाँ पे आपको बाय करना है। जैसे ही 520 का लेवल तोड़ता है सो इसका टारगेट आपको आपको अगर बताऊँ उसी 530 लास्ट 540 तक जाएगा। सो आपको मिनिमम वो टारगेट रखने हैं अगर आप इसमें अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं, लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन में लाइक ट्रेड करते हैं या फिर जो लाइक इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं इसमें, उनके लिए आपको बता रही लाइक लास्ट टू लास्ट ये इक्विटी में भी लाइक जो लाइक ट्रेड करते हैं उनके लिए भी ये लास्ट टू लास्ट 540 तक जा सकते हैं। तो आपको इतना आपको मिनिमम को टारगेट इसमें रखने हैं। सो 520 का मेन जो लेवल है ब्रेक करना चाहिए। इवन अगर देखा जाए तो आपको तो मैंने आपको बताया कंपनी लाइक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इवन, एंड देखा जाए तो कंपनी में जो लाइक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको लाइक 0.39% का इसमें रिटर्न उनको मिलेगा। कंपनी का मार्केट कैपिटल भी देखिए तो कितना 34,915 करोड़ का है, लाइक 34,000 के अबो कंपनी लाइक ओवरऑल अगर हम पकड़ लें तो लाइक 35,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए भी इवन कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी देख रही है। एंड लाइक कंपनी का देखा तो ये गवर्नमेंट कंपनी अच्छी खासी रिटर्न देगी डेफिनेटली, तो हो सके तो ये कंपनी में ट्रेड प्लस इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। सो आई थिंक सो आपके डाउट क्लियर आउट हो गए हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।